में सब्सक्राइब करें SVCN बिजनेस मोटिवेशन चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। SVCN बिजनेस मोटिवेशन चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा साइंस सिटी के अभी एक न्यू अपडेट आई है जो हमारा आईडी पे, जो न्यू आईडी पे हमारा जो नेम और पैन कार्ड और बैंक डिटेल सारे प्रोसेस जो अपडेट आप कर सकते हो और चेंज भी अच्छी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड। इसके लिए आपको जो प्रोसेस करनी हो कैसे करनी है फ्रेंड आपको बता देते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करेंगे www.signgenx.com फ्रेंड। यहाँ हमारे स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड, इसके में सर्च करता हूँ तो सर्च करने से आपको डायरेक्टली ले जाएगा क्रोम ब्राउज़र या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो। सबसे मैं आपको बता दूँ हमारा जो क्रोम बहुत बढ़िया रहेगा फ्रेंड, इसके लिए मैंने क्रोम ब्राउज़र्स में आपको साइनजेनिक्स में ओपन कर रहा हूँ। फ्रेंड ये हमारा आईडी के लिए जो साइंस सिटी का वेबसाइट है वो वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे नीचे बटन एंड पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू वेबसाइट, तो हमने क्लिक कर दी। और फिर से न्यू पेज पे भी वेबसाइट फ्रेंड ऐसी ये अपडेट है। और एक हमारा जो मेन पेज खुल चुका है रजिस्टर और लॉगिन, तो हमने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा पेज अभी जल्द से डाउनलोड नहीं होता था फ्रेंड, ये कुछ देर लग सकती है फ्रेंड। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में आप बने रहे क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो सकती है। इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका आईडी, जो आपकी आईडी है और पासवर्ड, ठीक है फ्रेंड। हम अपना आईडी शो कर दिया, यहाँ पे हम हमारा पासवर्ड डाल देते हैं। हमने पासवर्ड डाल दिया यार, यहाँ पे रिमेंबर में क्लिक करके सही का टिक मार्क करके लॉगिन कर लीजिए। हमने लॉगिन कर लिया। और फ्रेंड आपको बता दें कि हमारे जब अभी हमें हमारा SVC एक्शंस की हमें बहुत सारी उम्मीद है, तो फ्रेंड हमारा SVC एक्शंस अभी टेस्टिंग मोड पे चल रहा है और 10 तारीख को सही तरीके से आपको लाइव मिलने वाला फ्रेंड। और हमारा एक पेज और खुल चुका है, तो यहीं से हमें क्लिक करना है, जो 3 लाइन पे हमें क्लिक करना है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं हमारा ये आईडी खुल चुका है फ्रेंड। इस तरह से हमें सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, हमने डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है अपडेट नेम, तो आपको अपडेट नेम पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट नेम पे क्लिक करते हो तो आपके सामने प्रोसेस सारी खुल कर आ जाएगी फ्रेंड। यहाँ पे आप जो हम हमारी आईडी डाल देते हैं तो HNTW 397 हमारे आईडी डाल दी, जो हमें अभी इस आईडी पे SVC में वर्क भी कर रहे हैं और उसके साथ हमारा बिजनेस भी ज्वाइन है। तो फ्रेंड ये आईडी अभी नहीं ओपन होगी क्योंकि ये हमारी आईडी के साथ सारे प्रोसेस पैकेज और जो हमारा SVC के साथ सारी प्रोसेस, क्योंकि हम इस पर वर्क करते इस आईडी पे हमें डिटेल्स चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि फ्रेंड हमारे जो इसमें जो हमारा आईडी चेंज है तो हमारी आईडी इस आईडी से ऐसे के जो भी इस आईडी से साइन ग्रुप में हमें किसी भी तरह का
वर्क नहीं किया उस आईडी पे, हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा लॉगिन आईडी अपग्रेड सो यू कैन नॉट चेंज नेम, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए हमें ये दूसरी आईडी से आपको बता देते कि ये हमारे न्यू आईडी पे हम सारे प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड। इसके लिए हम दूसरी हमारी आईडी डाल देते हैं, वेट कीजिए फ्रेंड। इस यहाँ से आपकी सारी प्रोसेस आपको मिलने वाली फ्रेंड। फ्रेंड हमारी जो न्यू आईडी डाल देते हैं हम एन एफ जेड बी 697, ठीक है फ्रेंड। हमने हमारी आईडी डाल दी है, जो हमें इस आईडी पे अभी तक कुछ भी वर्क नहीं किया है फ्रेंड। यहीं से हमारी जो अपडेट न्यू अपडेट नेम और पैन कार्ड है सारी प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा नाम भी शो हो रहा है और ये आपका मोबाइल नंबर और सारे ये प्रोसेस है, जहीं से आप अपना जो फर्स्ट में आपका नाम लिख सकते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार, तो मैं लिख देता हूँ सतीश फ्रेंड, मैंने लिख दिया। और उसके बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ से आपको जो आपके जो भी अदर्स कंट्री से या हम इंडिया से, तो हमारा जो कोड ये सेम रहेगा। और उसके बाद हमारा जो ईमेल एड्रेस, जो ओल्ड पैन कार्ड है और जो पैन कार्ड, और क्योंकि हमारा जो पैन कार्ड, क्योंकि यहाँ पे सब जो हमारा एसवीसी जो बिजनेस है क्योंकि हाई क्वालिटी में है, इसके लिए हमारा जो पैन कार्ड कंपनी मांग रहे थे, इसके लिए पैन कार्ड भी, क्योंकि यहाँ से ट्रांजेक्शन सारे प्रोसेस होने वाले, इसके लिए पैन कार्ड भी आपको सही और पूरी तरह से कंप्लीट डालना है, क्योंकि यहाँ गलती नहीं चलेगी किसी भी तरह की। और जनरेटर जनरेट आईडी मीन्स के जो भी आपके साथ जो है उसका आईडी शो करेगा, और आपका पासवर्ड भी चेंज हो सकता है। उसके बाद कंप्लीट करके सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पर यहाँ बटन एंड पे दिख रहा है सेव और रिसेट। तो फ्रेंड अगर कुछ भी आप ये प्रोसेस अपडेट करने में कुछ कमी रह जाती है तो रिसेट कर सकते हो और रिटर्न पेज पा सकते हो। उसके बाद अगर कंप्लीट हो गया तो आप सेव एंड कंप्लीट करके आपकी आईडी यहां पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आपको इस प्रोसेस सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट मिल चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड इस वीडियो में जो भी आपको प्रोसेस बताई गई हो एकदम कंप्लीट है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, आप चेक कर सकते हो और अपना जो अपडेट भी न्यू नेम सारे प्रोसेस